रेडी स्टार्ट। महोदय, विधि वेत्ताओं ने इस अधिनियम की कमियों को बताया और कुछ मायनों में ब्रिटिश कानून से भिन्न होने के कारण यह उतना शक्तिशाली नहीं रहा। भारत में प्रदूषण निवारण के लिए अनेक प्राधिकरण और अधिकारी अनेक प्रकार के नियंत्रण और अलग अलग कानून एक समस्या है, जिससे कानून कमज़ोर पड़ जाता है और उसका प्रभाव कम हो जाता है। इसके अलावा जो लोग प्रदूषण के शिकार होते हैं, वे प्रदूषण नियंत्रण मंडल की स्वीकृति के बिना सीधे न्यायालय में नहीं जा सकते। इससे जनता कानून से विमुख हो जाती है। अधिनियम की खामियों के कारण हाल ही में केरल उच्च न्यायालय द्वारा प्रदूषण नियंत्रण मंडल का मुकदमा खारिज कर दिया गया। जल अधिनियम 1974 के अनुरूप वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 तैयार किया गया। खेद है कि अधिनियम का प्रारूप तैयार करने वालों और विधायकों ने इसके लिए समाजवादी राष्ट्रों के व्यापक पर्यावरणीय कानूनों की सहायता नहीं ली। यह बड़े हर्ष का विषय है कि वर्तमान कानूनों की कमियों को देखते हुए संसद द्वारा पर्यावरण अधिनियम 1986 का 29वां अधिनियम पारित किया गया। यह अधिनियम काफ़ी व्यापक है और इसका क्षेत्र भी विस्तृत है तथा इसके अधीन भारत सरकार को पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार और किसी भी प्रकार के प्रदूषण को कम करने के लिए काफ़ी शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसमें जल वायु आदि के मानक निर्दिष्ट करने और उद्योगों की स्थापना तथा खतरनाक पदार्थों के रख रखाव के संबंध में प्रतिबंध लगाने में सावधानी बरती गई है। पर्यावरण के प्रदूषण के कारण होने वाली दुर्घटना से बचने और उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाले प्रदूषणकारी तत्वों पर नियंत्रण के लिए अन्य उपाय करना केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके अधीन पर्यावरणीय प्रयोगशालाएं स्थापित की जा सकती हैं और विश्लेषक नियुक्त किए जा सकते हैं। दोषी निगमित क्षेत्र और सरकार के विभागों को भी दंड दिया जा सकता है। यद्यपि यह कानून काफ़ी साहसिक कदम समझा जा सकता है, लेकिन संकट के समय निष्प्रभाव साबित हो सकता है। इन नए कानूनों में भयंकर दोष रह गए हैं। आश्चर्य है कि ध्वनि प्रदूषण जैसे विषय को छोड़ दिया गया। यद्यपि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा हाल ही में इस संबंध में संशोधन किया गया है, जिसे अभी लागू किया जाना है, जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित नहीं किया जाता और अफसरशाही पर अत्यधिक भरोसा किया जाता है। कारोबार की स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध लगाए गए हैं और पर्यावरण सुरक्षा के कारण खतरनाक उद्योगों को नियंत्रित या मनाही की जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार के अधीन प्रदूषक उपयोगों पर लगाए गए सारी प्रतिबंध वैध हैं। बहुमूल्य प्राकृतिक संपदा को नष्ट होने या क्षति से बचाने के लिए अनुच्छेद 39 के अधीन
राज्य द्वारा औद्योगिक और कृषि कार्यों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 39 ख के अधीन भौतिक संसाधनों पर नियंत्रण ताकि उनका सामान्य हित में सर्वोच्चतम उपयोग किया जा सके। महोदय, बहुत पहले से ही महिलाओं को अपने अधीन रखकर पुरुष प्रधान भारतीय समाज ने उनके विकास के द्वार बंद कर रखे हैं। प्राचीन भारत में सामाजिक और राजनीतिक बदलाव के साथ साथ महिलाओं की स्थिति में भी बदलाव आता रहा है। कभी तो यह माना गया कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता रमते हैं, तो कभी उसे ताड़ना का पात्र बताया गया। इतिहास के एक बड़े कालखंड में उसे चार दीवारी और पर्दे के अंदर रखा गया। इसके बावजूद जब भी नारी को पर्दे से बाहर आकर दुनिया को देखने व समझने का अवसर दिया गया, उसने अपनी क्षमता, योग्यता और प्रतिभा का भरपूर प्रदर्शन किया। भारत को स्वतंत्र हुए 5 दशक पूरे होने जा रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद महिलाओं के विकास के लिए संविधान में अनेक प्रावधान किए गए हैं, परंतु मात्र नियम कानून बना देने से किसी व्यक्ति या वर्ग में परिवर्तन नहीं आते। इसके लिए व्यवहार और अमल की भी आवश्यकता है, किंतु भारतीय महिलाओं के लिए इसका प्रयोग नहीं किया गया। यूँ तो प्रथम योजना काल से ही महिला विकास के छिटपुट प्रयास आरंभ हो गए थे, परंतु हकीकत में सर्वप्रथम छठी योजना के दस्तावेज में महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक विकास का अध्याय जोड़ा गया। इसके बाद से महिला विकास की योजनाएं निरंतर क्रियाशील रही, फिर भी भारतीय महिलाओं की स्थिति में अपेक्षित परिवर्तन नहीं लाया जा सका है। जब भारतीय महिलाओं की तुलना दूसरे देशों की महिलाओं से की जाती है तो हमें बड़े दिलचस्प तथ्यों से साक्षात्कार करना पड़ता है और हम तभी जान पाते हैं कि भारतीय महिलाओं की वास्तविक स्थिति क्या है, यानी बेहद चिंताजनक और दुरूह। क्योंकि एक अध्ययन से ज्ञात हुआ कि दुनिया के 130 देशों में भारतीय महिलाएं 99वें स्थान पर हैं। शायद इसका कारण है भारतीय महिलाओं के विकास के मार्ग में अनेक बाधाएं, जैसे शिक्षा के अवसर उपलब्ध न होना। इससे उसका स्वाभिमान, उसकी चिंतन शक्ति और उसकी जिजीविषा का विकास अवरुद्ध हो गया। इसका प्रमाण है स्वतंत्रता के बाद 48 वर्षों तक कभी शिक्षा में महिलाओं को पुरुषों के बराबर न ला पाना, जबकि दूसरे देशों ने महिलाओं को शिक्षित बनाने में अधिक जोर दिया। हाल ही में नई दिल्ली स्थित भारतीय विश्वविद्यालय संगठन द्वारा प्रकाशित आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश की 15 वर्ष से अधिक आयु वाली 34% महिलाएं ही शिक्षा प्राप्त कर सकी हैं, जबकि इजराइल, स्पेन, इटली व हंगरी की 89 से 94%, श्रीलंका की 85%, चीन की 68%, ईरान की 52% तथा पाकिस्तान की 14% महिलाएं शिक्षित हैं। शिक्षा के इस अधोपन के अतिरिक्त अल्प आयु में महिलाओं का विवाह भी
उनके विकास में एक बड़ी बाधा रही है। वैसे तो भारत में बाल विवाह बहुत पहले से ही प्रचलित रहा है।